गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू नव भारती फैमिली। आज मैं आपको फोर्थ पोएम पढ़ाऊंगी ऑफ क्लास 10th एंड दैट इज एनालॉजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग। दिस इज द नेम ऑफ द पोएम, एनालॉजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग, कंपोज्ड बाय और रिटन बाय ओलिवर गोल्ड स्मिथ। ये बताइए एनालॉजी मतलब क्या होता है? एलजी मतलब होता है शोक गीत। किसके मरने पर हम जो गीत लिखते हैं उसके याद में, उसके लिए, उसको हम बोलते हैं एलजी, मतलब शोक भरा गीत। ठीक है, इस पोएम में हमारे टोटल 8 स्टैंजाज हैं और ये पोएम एक्चुअली किस बारे में है मैं आपको बताती हूँ। ये पोएम ओलिवर स्मिथ है। ओलिवर स्मिथ ने ये पोएम एक इंसान और डॉग के रिलेशनशिप के बारे में बताई है कि उनका रिलेशनशिप कैसे फ्रेंड्स से एनिमी में कन्वर्ट हो जाता है। लाइक होता क्या है कि एक आदमी होता है, उसका एक डॉग होता है। स्टार्टिंग में तो वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स होता है, बट उनके बीच में लड़ाई होती है तो जो उनका डॉग होता है वो अपने आदमी को काट देता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में कुछ लड़ाई होती है। तो फिर क्या होता है कि आसपास के जो लोग होते हैं, नेबरहुड वाले जो पीपल होते हैं, वो सारा ब्लेम डॉग के ऊपर डाल देते हैं कि ये तो पागल कुत्ता है, इसने इतने अच्छे इंसान को, वो जो इंसान था बहुत अच्छा था, बहुत धार्मिक था, स्पिरिचुअल था, तो सारे लोग डॉग को ब्लेम कर देते हैं, आदमी को ब्लेम नहीं करते हैं और ये बोलते हैं कि इस कुत्ते के काटने से आदमी मर जाएगा क्योंकि कुत्ते का जहर आदमी में फैल जाएगा। लेकिन लास्ट में क्या होता है मैं अभी नहीं बताऊंगी, इसके लिए आपको एक पूरा वीडियो देखना पड़ेगा कि लास्ट में कैसे ट्विस्ट आता है। ओलिवर है इसने बहुत सार्केस्टिकली पूरा जो हमारा पोयम है उसके बारे में बहुत सही एक्सप्लेनेशन दिया है। लोगों की थिंकिंग से लेकर, मोरालिटी से लेकर हर चीज इसमें बताई गई है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विथ वन फर्स्ट स्टैंजा। फ्रॉम फर्स्ट स्टैंजा, good people all of every sort give ear unto my song and if you find it wondrous short it cannot hold you long। short मतलब होता है type, हर तरह के। ठीक है, और wondrous मतलब होता है surprisingly, आश्चर्य चकित करने वाला कोई चीज, interesting, surprising। ठीक है, ये जो फर्स्ट स्टैंजा है इसमें जो पोएट है हमारा ओलिवर, जो पोएट है वो लोगों को बुला रहा है कि मेरी जो कविता है, मेरा जो एलजी है वो सुनो और समझो। ठीक है, एक बार देखते हैं। गुड पीपल ऑल और ऑफ एवरी सॉर्ट, अच्छे लोग और हर तरह के लोग, गिव एयर अनटू माय सॉन्ग। गिव एयर अनटू माय सॉन्ग मतलब मेरे सॉन्ग पर अटेंशन दो, मेरे सॉन्ग को अटेंशन दो। एंड इफ यू फाइंड इट वंडरस शॉर्ट, अगर आपको लगे कि मेरा जो ये सॉन्ग है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं है, इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग, ये तो ये आपको ज्यादा देर तक बांध कर नहीं रखेगा। इसमें जो पोएट है ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आप सब आइए मेरा सॉन्ग सुनिए और अगर आप अटेंशन देके ये सॉन्ग नहीं सुनेंगे तो आपको ये ना ये इंटरेस्टिंग लगेगा ना ये सरप्राइजिंग लगेगा, और अगर ऐसा होता है तो आप ज्यादा देर तक इस सॉन्ग में बंधे नहीं रह सकते। ठीक है, तो इसलिए वो बोल रहे कि अटेंशन देके मेरा ये सॉन्ग सुनो। तो फर्स्ट स्टैंजा में बस इतना ही है, अब हम बढ़ते हैं सेकंड स्टैंजा की ओर। ठीक है, विल टॉक अबाउट स्टैंजा सेकंड, लेट्स रीड इट। इन इस्लिंगटन देयर वाज अ मैन ऑफ होम द वर्ल्ड माइट से दैट स्टिल अ गॉडली रेस ही रैन व्हेनेवर ही वेंट टू प्रे। देखिए, गॉडली रेस मतलब स्पिरिचुअल लाइफ, धार्मिक जीवन, मतलब धार्मिक सिद्धांत पे अपना जीवन जीना, और इन सिंपल मीनिंग स्पिरिचुअल लाइफ। वेनेर मतलब यहाँ पे है व्हेनेवर, जो है उसका शॉर्ट टर्म वेनेर लिख दिया है, उसका मतलब होता है जब भी। तो अब देखिए, इन इस्लिंगटन देयर वाज अ मैन, स्लिंगटन वो टाउन था जहां पे वो आदमी रहता था। इस्लिंगटन इज द नेम ऑफ अ टाउन वेयर ही लिव्ड। देयर वाज अ मैन, इस्लिंगटन में एक आदमी रहता था, ऑफ हूम द वर्ल्ड माइट से, जिसके बारे में दुनिया यह कह सकती थी, यह कहती थी, दैट स्टिल अ गॉडली रेस ही रैन व्हेनेवर ही वेंट टू प्रे। वो जब भी प्रे करने जाता था, जब भी भगवान की आराधना करने जाता था, तो वो बहुत स्पिरिचुअल हो जाता था, मतलब उसका जो जीवन था वो बहुत धार्मिक हो गया था, बहुत उसकी जो लाइफ थी बहुत स्पिरिचुअल हो गई थी, लोग उसको बहुत
लाइक मैं अगर इन सिंपल लैंग्वेज में बोलूं आपको तो इसमें ये बताया गया है कि जो इस्लिंगटन टाउन था उसमें एक आदमी रहता था और उसका जो कैरेक्टर था वो ऐसा बना हुआ था कि वो आदमी बहुत ही धार्मिक इंसान है, वो सिर्फ भगवान में ही अपना सारा जीवन व्यतीत कर देगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअली क्या था, वो जब भी भगवान के प्रे करता था, भगवान की आराधना करता था, तभी उसकी स्पिरिचुअलिटी और मोरालिटी दिखती थी, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं था। अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम प्रेइंग टू गॉड, ही वॉज अ सिंपल मैन, बट व्हेनेवर ही यूज्ड टू प्रे गॉड, एट द टाइम, एट द मोमेंट ऑफ प्रेइंग गॉड, ही बिहेव लाइक ही शोड हिज मोरालिटी एंड पीपल थॉट ही वुड बी अ ग्रेट spiritual man, all right? So this is what the second stanza says, okay? इसमें बस उस आदमी के बारे में इसको characterized करा गया है कि वो आदमी कैसा है, ठीक है। ऐसे questions आ सकते हैं तो आप normally लिख सकते हो कि that he is a spiritual man, he lives a spiritual life at the time of praying to God, or you can just stick on the stanza, okay? Now let's move on, stanza number 3. Kind and gentle heart he had, to comfort friends and foes, the naked every day he clad, when he put on his clothes. उस व्यक्ति के बारे में, उस इंसान के बारे में इसमें बताया गया। इससे पहले वाले स्टेंजा में बताया गया था कि वो इंसान बहुत धार्मिक सिद्धांतों पर अपना जीवन व्यतीत करने वाला था, और इसमें ये भी बताया गया कि a kind and gentle heart he had, उसके पास बहुत ही दयावान और बहुत ही जेंटल उसका दिल था। टू कम्फर्ट फ्रेंड्स एंड फोर्स, फोर्स मतलब एनिमीज, दुश्मन। वो अपने दुश्मन से लेकर दोस्त तक, दोस्त से लेकर दुश्मन तक, सबको कम्फर्ट जोन में लाता था। अगर उसके दुश्मन या दोस्त कोई भी परेशान होते, कोई भी चिंतित, लाइक कोई भी अगर परेशान होंगे, तो वो इतना अच्छा था, वो आदमी इतना दयावान था, इतना दयालु था, वो ये नहीं देखता कि वो मेरा दोस्त है या दुश्मन है, वो सबको एक कम्फर्ट जोन में लेके आ जाता था। The naked every day he clad when he put on his clothes. Clad मतलब clothed, वस्त्र, कपड़े पहने हुए, ठीक है, वस्त्र पहने हुए। Naked मतलब without clothes. इसमें बताया गया है कि जब जब वो कपड़े पहनता था तो वो आदमी ये सोचता था कि मैंने अपने जिंदगी में ऐसे गरीब इंसान के जिनके पास कपड़े नहीं होते उनको कपड़े पहनाए हैं। वो इतना दयावान था, इतना दयालु था कि उसने काफी गरीबों की हेल्प करी जिनके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए। उस इंसान ने उन गरीबों को कपड़े पहनाए, जब भी वो कपड़े पहनता था उसको ये बात याद आती थी। तो इसमें भी कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया है उस आदमी का, कि वो कैसा था, काइंड एंड गुड हार्टेड विद जेंटल हार्ट, हु यूज्ड टू हेल्प हिज फ्रेंड्स एंड फोर्स एंड पुअर पीपल ऑल्सो। ऑलराइट, सो वी आर डन स्टैंजा 3. Now let's talk about stanza 4. इस stanza में उस dog के बारे में, जो final, जो हमारा इंसान था, जो व्यक्ति था, उसके बारे में हमने बात कर ली। अब बात करेंगे उसके dog के बारे में, जो dog उसे मिलता है। Stanza 4. And in that town a dog was found, as many dogs there be, both mongrel, puppy, whelp and hound and cursed of low degree. And in that town a dog was found. और उस town में, Islington जो हमारा town था, उसमें एक कुत्ता मिलता है, और ये वही dog है जिसके बारे में आगे बात होगी। वो dog मिलता है, as many dogs there be, और वहां पे और भी dogs थे, both mongrel, mongrel मतलब mixed breed के जो कुत्ते होते हैं, mixed breed के जो dogs होते हैं उनको mongrel बोलते हैं। puppy, you know what puppy means, whelp मतलब youngest dog, एंड हाउंड मतलब शिकारी कुत्ते, दोज डॉग हु यूज्ड फॉर हंटिंग, एंड कर्स मतलब स्ट्रीट डॉग्स। फर्स्ट लाइन देखिए, एंड इन दैट टाउन डॉग वॉज फाउंड, एज मैनी डॉग्स देयर बी, और उस टाउन में एक डॉग, एक कुत्ता मिलता है, और भी डॉग वहां पे थे, हर तरह के डॉग थे, बोथ मॉन्ग्रियल मतलब मिक्स ब्रीड के कुत्ते, पपीज थे, यंगेस्ट डॉग थे, काफी जवान कुत्ते भी थे, शिकारी कुत्ते भी थे, स्ट्रीट डॉग्स भी थे, हर तरह के कुत्ते वहां मौजूद थे, और उनमें से ही एक साधारण, एक ऑर्डिनरी कुत्ता उन्हीं की तरह उसको मिलता है, ठीक है। और इस डॉग के बारे में आगे के स्टैंजाज में हम बात करेंगे, इस स्टैंजा में बस इतना ही है, ओके।
So this is stanza 5, and in this stanza the poet throws light on the relationship of a dog and the man. So let's see. This dog and man at first were friends, but when a peak began, the dog to gain his private ends went mad and bite the man. Peak matlab hota hai personal quarrel, personal ladai, theek hai? अब इसमें डॉग और उस आदमी के रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है. तो क्या होता है, दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट फॉर फ्रेंड. जो डॉग और जो आदमी था वो स्टार्टिंग में तो काफी अच्छे फ्रेंड्स थे, स्टार्टिंग में काफी अच्छे फ्रेंड्स थे, उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था. बट व्हेन अ पीक बिगिन, लेकिन जब उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, उस डॉग और उस आदमी के बीच में लड़ाई हुई, द डॉग टू गेन हिज प्राइवेट एंड्स वेंट मैड एंड बाइट द मैन. तो डॉग अपना खुद का बदला लेने के लिए, अपना रिवेंज लेने के लिए, उस लड़ाई की वजह से उसने उस आदमी को काट खाया. इसमें ये बता रखा है कि स्टेंजा में जो डॉग और आदमी थे स्टार्टिंग में काफी अच्छे फ्रेंड्स थे, लेकिन उन दोनों के बीच में कुछ लड़ाई हुई. लड़ाई होने से क्या हुआ, उस जो डॉग था उसको बहुत गुस्सा आया, ठीक है, और उसने उस गुस्से में वो उसने बदला लेना चाहा आदमी से. तो बदला लेने के लिए उसने क्या करा, उसने उस आदमी को काटा, बाइट करा, ठीक है, क्योंकि वो गुस्से से पागल हो गया था वो कुत्ता, और उसने अपना बदला इस तरीके से निकाला, उस आदमी को काट के अपना बदला निकाला, ठीक है. अब इससे आगे वाले स्टैंजास में हम देखते हैं इसमें क्या बताया गया. अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट्स द वंडरिंग नेबर्स रैन एंड स्वोर द डॉग हैड लॉस्ट His wits to bite so good a man. अब इसमें ये बताया गया है कि जब जो डॉग है वो अपने आदमी को काटता है, तो ये वाली न्यूज इतनी जल्दी से फैल जाती है पूरे टाउन में, अपने आस पड़ोस में, सराउंडिंग्स में. देखते हैं इसमें क्या होता है. Around from all the neighboring streets, neighboring streets मतलब आस पड़ोस वाले लोग, ठीक है, आस पड़ोस वाली गलियां, ये वाली जो न्यूज. एंड द वंडरिंग नेबर्स रैन, वंडरिंग मतलब सरप्राइज. जब कुत्ते ने आदमी को काटा तो ये वाली न्यूज थी, इट स्प्रेड्स लाइक वाइल्ड फायर. आग की तरह ये न्यूज आग की तरह ये चीज फैल गई थी आस पड़ोस में. सारे लोग बहुत सरप्राइज, बहुत चौंक गए थे कि कुत्ते ने इतने भले आदमी को कैसे काट दिया. And swore the dog, swore मतलब declared, घोषणा करना. The dog had lost his wits, lost his wits मतलब पागल हो जाना. जब neighbors को ये पता चला कि उस कुत्ते ने आदमी को काटा है, वो shock हो गए थे, वो बहुत surprise हो गए थे. फिर उन्हें क्या करा कि उन्हें एक news declare, उन्हें ये चीज declare कर दी कि जो कुत्ता है वो पागल हो गया. He has lost his all senses to bite so good man, इतने अच्छे आदमी को उस कुत्ते ने काटा, तो मतलब वो कुत्ता पागल हो चुका है. अब देखिए इसमें पॉइंट क्या दिखाना चाहते हैं. इसमें पॉइंट ये दिखाना चाहता है कि कैसे लोग सिर्फ जहां पलड़ा भारी होता है उसी के सपोर्ट में बात करते हैं. आदमी है और कुत्ता है, दोनों के बीच में लड़ाई हुई, किसने ये नहीं जानना चाहा कि किसने असलियत नहीं जानना चाहिए कि लड़ाई क्यों हुई, किस वजह से कुत्ते ने उस आदमी को काटा, कोई रीजन था उसके पीछे. किसी को रीजन से कोई मतलब नहीं है, कुत्ता है उसको ब्लेम कर दिया, आदमी को कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि जहां पलड़ा भारी होता है आदमी इतना, उस आदमी का जो कैरेक्टर था इतना, सब लोगों के सामने वो इतना अच्छा आदमी था, इतना धार्मिक आदमी था, तो लोगों ने जानना जरूरी नहीं समझे कि एक्चुअल में हुआ क्या था. उनने बस सारा ब्लेम कुत्ते के ऊपर डाल दिया, कुत्ते को उनने पागल डिक्लेयर कर दिया कि ये कुत्ता तो पागल है, इसने इतने अच्छे आदमी को काट दिया, ठीक है. तो इस स्टेंजा में ये बताया हुआ है हमें. लेट्स मूव ऑन स्टेंजा 7. द वाउंड इट सीम्स बोथ सोर एंड सैड टू एवरी क्रिश्चियन आई, एंड व्हाइल दिस वर्ड द डॉग वाज मैड, दिस वर्ड द मैन वुड डाई दे. ओके, वाउंड मतलब घाव, ठीक है. बोथ सोर एंड सैड मतलब पेनफुल एंड रेड बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन. कुत्ते के काटने से हाथ में उसकी क्या बहुत दर्द हो रहा था, और बहुत रेड वो जो घाव था ना, बहुत रेड हो गया था बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन. पर देखते हैं स्टेंजा में क्या बताया हुआ है. द वाउंड इट सीम्स बोथ सोर एंड सैड टू एवरी क्रिश्चियन आई, वहां के जो नेबरहुड से, वहां के जो लोग थे,
क्रिश्चियंस थे, ईसाई धर्म के थे, उन सबको ये दिखाई दे रहा था कि जो पोएट है उसके जो घाव है, हाथ में नहीं था उसका घाव, ये मेंशन नहीं कर रहा था कि उसको एक्चुअली में काटा खा था, बट जहां पे भी उसको काटा था वहां उसको बहुत दर्द हो रहा था, वो काफी दर्द में था वो आदमी जिसको कुत्ते ने काटा था, और उसका जो घाव है वो काफी रेड हो गया था बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन, ठीक है। एंड व्हाइल दिस वॉर द डॉग वॉज मेड, दिस वॉर द मैन वुड डाई। जब जो लोग थे ये चीज डिक्लेयर कर रहे थे कि जो कुत्ता है वो पागल था, मतलब डिक्लेयर उन्हें कर दिया था कि कुत्ता पागल है इसने इतने अच्छे आदमी को काटा, लेकिन उनको कंफर्मेशन नहीं था। कंफर्मेशन से पहले उन्होंने ये चीज भी डिक्लेयर कर दी कि जो आदमी है वो मर जाएगा, कुत्ते के काटने से इन्फेक्शन फैलेगा और आदमी मर जाएगा। कितने इस स्टेंजा में पोएट ने उन आदमियों का, जो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि जो हमारा जिसको कुत्ते ने काटा है वो आदमी मर जाएगा, उसका मजाक बना रहा है जो पोएट है, उन आदमियों का मजाक बना, कितनी सेंसलेस बातें कर रहे हैं, क्योंकि जो कुत्ता है वो पागल था या नहीं था किसी को नहीं पता, ठीक है। उनने बस ये चीज अज्यूम कर ली कि इतने अच्छे आदमी को इस कुत्ते ने काट दिया तो मतलब भी कुत्ता पागल है, बल्कि वो कुत्ता पागल नहीं था, ठीक है। और कंफर्मेशन से पहले ही उन्होंने ये चीज भी डिक्लेयर कर दी, उन्होंने ये चीज भी घोषणा, इस चीज की घोषणा कर दी कि जो आदमी है वो आदमी मर जाएगा, क्योंकि पागल कुत्ते ने आदमी को काटा है तो इन्फेक्शन इसका फैलेगा और ये आदमी मर जाएगा। तो स्टेंजा में ये चीज बता रखी है। अब लास्ट स्टेंजा की बात करते हैं, इसमें थोड़ा ट्विस्ट आएगा कि एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर लास्ट स्टेंजा, स्टेंजा नंबर 8, और इस स्टेंजा में ही ट्विस्ट है। सी, but soon a wonder came to light that showed the dog's delight, the man recovered of the bite, the dog it was that died। आया समझ में? जो लोग थे एकदम से a wonder came to light, मतलब unexpected thing happened, जो चीज सोची नहीं थी एकदम से वो चीज हो जाती है, that showed the dog's delight। रॉक्स मतलब दुराचारी व्यक्ति, लाइक जो वहां पे आस पड़ोस के जो लोग थे जो ये चीज कह रहे थे कि कुत्ते ने इस आदमी को काटा है, अब तो इस कुत्ते का जहर इस आदमी में फैल जाएगा और ये आदमी मर जाएगा, ये जो बात थी, ये जो चीज थी वो झूठी निकली। हुआ क्या? द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट, कुत्ते के काटने से जो घाव हुआ था आदमी को वो घाव ठीक हो गया, आदमी पूरी तरीके से रिकवर हो गया, लेकिन The dog it was that died, वो कुत्ता था जो मर गया। इसमें क्या हुआ, इस स्टेंजा में ये बताया गया है कि लोगों ने सोच लिया था कि ये कुत्ता है इसने इतने भले आदमी को काटा तो मतलब ये कुत्ता पागल है, पहले तो ने ये चीज डिक्लेयर करी कि ये कुत्ता पागल है। दूसरी चीज उन लोगों ने ये बोली कि अब तो इस कुत्ते का जहर इस आदमी में फैल जाएगा, उसका जो घाव है काफी रेड हो गया था, काफी दर्द हो रहा था, अब तो ये आदमी ही मर जाएगा, उनने दूसरी चीज ये बोली। बट होता क्या है कि जो आदमी है वो तो एकदम ठीक हो जाता है, जो आदमी एकदम ठीक हो जाता है, लेकिन जो कुत्ता है ना वो मर जाता है। तो उसमें ये जो पॉइंट है ये बताना चाहता है कि अनएक्सपेक्टेड थिंग, जो चीज हम नहीं सोच सकते वो चीज हो जाती है। जहर, कुत्ता क्यों मरा, इसका मतलब क्या, कुत्ते ने उस आदमी को काटा, जहर किस में था, आदमी में जहर था, कुत्ते में जहर नहीं था, इसलिए कुत्ता मर गया, ठीक है। तो लोगों ने चीजें अनएक्सपेक्टेडली एक्सपेक्ट कुछ और किया था, हो कुछ और जाता है, तो इसी वजह से जो पॉइंट है ये बता रहा है कि लोग आउट ऑफ द सेंसेस बातें करते हैं, ठीक है, इमोरल होके बातें करते हैं, उनको बस जहां पलड़ा भारी होगा वही उसी के सपोर्ट में वो लोग बात करेंगे। कुत्ते की क्या गलती थी, आदमी की क्या गलती थी, दैट डज नॉट मैटर फॉर द पीपल, ठीक है। तो ये चीज होती है लास्ट में, जो कुत्ता है वो मर जाता है और आदमी एकदम अच्छे से रिकवर हो जाता है। तो ये थी हमारी पोयम, रिलेशनशिप ऑफ अ डॉग एंड अ मैन ठीक है। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। ऑल यू नीड टू डू इज ट्राई टू मेक एक्सप्लेनेशन इन योर ओन लैंग्वेज, कंटेक्स्ट एंड रेफरेंस विल बी सेम एज आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट पोयम, like the way will be the same, not exact, okay, and try to make things, try to explain it in your own language, okay। So we are done with our fourth poem, the algae।
ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग. थैंक यू सो मच.